फरूई इख्तलाफी मसाइल में से एक इख्तलाफी मसला ये वितरों के अंदर दुआए कुनूत का पढ़ना है। अभी हमारे जेलम के मिर्ज़ा सानी, जिन्हें मैं इल्मी यतीम कहा करता हूँ, ये कहते हैं जी आपके बाबों ने जो आपको कुनूत वितर की दुआ सिखलाई है ना, ये तो कुनूत वितर की दुआ ही नहीं है। कुनूत वितर की दुआ तो वो है जो आले हदीस हजरात पढ़ते हैं, यारब के लोग पढ़ते हैं। हमारे सब कॉन्टीनेंट में जो कुनूत नाजला चल रही है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका का, ये कुनूत नाजला है। तो मैंने उनको टॉन्ट करवाई थी कि दुआए कुनूत बाबा जी आपको भी नहीं आती, आपके बाबों ने जो आपको दुआए कुनूत सिखाई है वो कुनूत वितर की दुआ ही नहीं है, वो तो कुनूत नाजला की दुआ है जो काफरों पर बद्दुआ की जाती है, और वही कुनूत वितर की दुआ है जो इस वक्त सिर्फ अहले हदीस पढ़ते हैं या अरब के लोग पढ़ते हैं। सब कॉन्टिनेंट में तो कुनूत नाजला ही चल रही है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ये कुनूत वितर भी याद करें, कई लोगों ने बूढ़ी उम्र में जाके ये दुआ याद की है। इन इल्मी यतीमों के बारे में मैं कहा करता हूँ इनको लैला नज़र आता है और मजनू नज़र आती है। अब आप शुरू से सारा मसला समझें, दुआए कुनूत वो दुआ है कि जिसको वितरों की आखिरी रकत में पढ़ा जाता है। अच्छा, अगर किसी इंसान को दुआए कुनूत नहीं आती तो वो क्या करे? तो फुकहा ने उसके बारे में लिखा है कि मल्ला युक्सिनु दुआ अल कुनूती, जिसको दुआए कुनूत नहीं आती, तो काल अल फकीहु अबू लैस रहिमहुल्लाह ताला यकूलु अल्लाहुम्मा ग़फिर ली व युकर्रिरुहा सलासा मर्रातिन। फरमाया जिसको दुआए कुनूत नहीं आती वो अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ये तीन मरतबा कह लिया करे, औ यकूलु या रब्बी या रब्बी या रब्बी सलासन, अगर उसको अल्लाहुम्मा ग़फिर ली भी नहीं आता तो या रब्बी या रब्बी या रब्बी तीन मरतबा कह लिया करे। तो फुकहा ने पहला मसला ये निकाला कि वितरों में अगर किसी को दुआए कुनूत नहीं आती तो अल्लाहुम्मा ग़फिर ली या रब्बे वो कह लेगा तो उसकी दुआए कुनूत अदा हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुआए कुनूत नहीं सीखनी चाहिए, दुआए कुनूत सीखनी चाहिए। मेरे अपने शागिर्द हैं, मेरे पास आते हैं नौजवान लड़के, उन्हें मैंने एक एक लफ्ज़ करके दुआए कुनूत याद करवाई है। अच्छा, ये तो था दुआए कुनूत अगर नहीं आती तो ये कर ले, अगर दुआए कुनूत सीखनी है तो फिर कौन सी सीखे? अब मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ दुआएं नकल की हैं, ये सलातुर रसूल है, इसके अंदर भी ये दो दुआएं नकल हैं जो हदीस की किताबों में मिलती हैं। इन दुआओं को मुहद्दिसीन ने ये कुनूत नाजला में भी शामिल किया है और कुनूत वितर में भी शामिल किया है। अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ी मन हदैत व आफ़ीनी फ़ी मन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत व बारिकली फ़ी मा आतैत वकिनी शर्रा मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक सल्लल्लाहु अला नबी। एक दुआ ये मिलती है हदीस की किताबों से, और दूसरी दुआ मिलती है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नस्नी अलैकल खैर वला नकफुरुका व नखलऊ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिज़ु व नख्शा अज़ाबकल जिद्दा व नरजु रहमतका इन्ना अज़ाबकल जिद्दा बिलकुफ़ारि मुल्हिक। इसके अलावा हदीस की किताबों में और अल्फाज भी मिलते हैं थोड़े बहुत तगैर व तबद्दुल के साथ। तो ये दोनों दुआएँ, इसके अलावा और दुआएँ भी हैं जो हदीस में नकल हैं। तो पहली जो दुआ है इमाम अबू दाऊद ने नकल की, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला और इमाम अबू इब्ने खुज़ैमा सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर वो दुआ नकल है। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु के ये दुआ ये सुन कुबरा लिल बहकी के अंदर भी मौजूद है, मरसील अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, तहावी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के जो उस्ताद थे अबू बकर बिन शैबा रहमतुल्लाह ताला उनकी किताब मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा उसके अंदर भी ये दुआ मौजूद है। अल्फाज के अंदर थोड़ा बहुत तगैर व तबद्दुल पाया जाता है, तो अल्फाज के अंदर थोड़े बहुत तगैर व तबद्दुल के पाए जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुहद्दिसीन ने इन दोनों दुआओं को कुनूत नाजला में भी शामिल किया है और कुनूत वितर में भी शामिल किया है, जबकि मिर्ज़ा एहसानी इल्मी यतीम साहब ये कहते हैं कि ये कुनूत नाजला है, ये दुआए कुनूत नहीं है। अब हम ये बताएँ कि मुहद्दिसीन की बात मानेंगे
या इस नाम निहाद इल्मी यतीम की बात मानेंगे। दूसरी बात, ज़ुबैर अली ज़ैद साहब के नज़दीक भी और बाकी मुहद्दिसीन के नज़दीक भी ये दुआ कुनूत वितर की दुआ है। अब बाकी रह गया सनद के एतबार से, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, इसकी सनद को इमाम बहिकी रहमतुल्लाह ताला ने सही कहा है और इसी की सनद को अलामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ताला ने अरवाल गलील के अंदर भी सही कहा है। गोया कि यह हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरी बात समझें कि अब दोनों दुआएं, इनका सबूत आदि मुबारक में मिल गया, पढ़नी कौन सी अफजल है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी कि अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत, ये पढ़नी अफजल है और ये कुनूत वितर की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये तो कुनूत नाजला की दुआ है। ज़ुबैर अली ज़ई साहब, जिनके बारे में मिर्ज़ा सानी साहब ख़ुद कहते रहते हैं कि जी उनका इल्मी बहुत बड़ा मकाम है, उनके नज़दीक इन दोनों दुआओं में से अगर कोई भी पढ़ लेगा तो बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों पढ़ लें तब भी दुरुस्त है। मिर्ज़ा सानी साहब के नज़दीक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका ये कुनूत वितर की दुआ ही नहीं, ज़ुबैर अली ज़ई साहब के नज़दीक ये कुनूत वितर की दुआ है। अलामा शामी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि फुकहा के नज़दीक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका और इसके साथ अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत, ये दोनों दुआएँ अगर मिला लें तो बेहतर है। जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं बिदायतुल मुज्तहिद के अंदर, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये दुआ पढ़नी अफजल और मुस्तहब है। अब मेरा सवाल है, सवाल यह है कि ज़ुबैर अली ज़ई साहब, उनके नज़दीक भी ये वितर की दुआ है, अलामा शामी रहमतुल्लाह ताला वो भी कहते हैं कि ये वितर की दुआ है, मुहद्दिसीन के नज़दीक भी ये वितर की दुआ है और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक भी ये वितर की दुआ है, दुआ कुनूत है, और मिर्ज़ा साहब के नज़दीक ये दुआ कुनूत नहीं, कुनूत नाजला है। तो अब मुझे ये बताएं, हम किसकी माने, सलफ़ सालहीन की माने या आज के नाम निहाद इल्मी यतीम छोकरे की बात को मान लें जिसको अरबी ग्रामर नहीं आती और जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती। ये तो था मेरा तहकीकी जवाब। अब मेरा एक रवायती जवाब है। अब हम ज़रा इसकी सनदी हैसियत देखते हैं कि यह हदीस जो अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत जो उन्होंने नकल की है, यह हदीस की किस किस किताब में पाई जाती है। मैंने ऊपर नकल कर दिया, पहले बयान कर दिया, यह हदीस नकल की है, ये दुआ नकल की हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अबू दाऊद के अंदर इस हदीस का नंबर 1425, तिर्मिज़ी के अंदर इस हदीस का नंबर 464, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर इस हदीस का नंबर 1095। अब मिर्ज़ा सानी इल्मी यतीम साहब का एक कायदा है, वो कहते हैं जी ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत वो पक्की ज़ईफ होती है। लेकिन वो हदीस उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है क्योंकि उसमें अतादा जो है मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत जो है वो ज़ईफ होती है जब तक के समा की तस्री मौजूद ना हो। वो ये बता ना दे कि मैंने किस से सुना जिसमें तस्री सिमा मौजूद ना हो, और तदरीस का मतलब उसके अंदर तस्री सिमा मौजूद ना हो, वो अन के साथ नकल कर रहा हो। तो उन्होंने ये कायदा खुद बयान किया कि मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत वो पक्की ज़ईफ होती है। तो मेरा सवाल यह है कि आप किस मुँह से ये हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत को पेश कर रहे हैं। आप तो इस रवायत को पेश करने के मजाज ही नहीं है, आपको तो हक ही नहीं पहुँचता आप इस रवायत को पेश करें, चाहे जाए कि आप ये कहें कि यह दवा पढ़नी अफसर और बेहतर है। अब इल्मी यतीम इसलिए कहा करता हूँ ना, अब वो अगर हदीस के आगे सही लिखा है तो उन्होंने वहाँ से पढ़ के सुना देना हदीस सही है। अब हदीस के अंदर अगर लिखा हुआ ज़ईफ़ तो उन्होंने पढ़ के सुना देना हदीस ज़ईफ़ है। ना रावियों की जांच पड़ताल करनी है, ना उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक रावियों को परखना है, ना उसूल मुहद्दिसीन इनको आते हैं, ना उसूल हदीस इनको आते हैं। इन्होंने तो बस पढ़ी लिखी लिखाई बात आपको पढ़ के सुना देनी है, जिसके आगे सही लिखा है तो सही है, ज़ईफ़ लिखा है तो ज़ईफ़ है, बस। जिसे कहते हैं अंधाधुंध तकलीद। तो जनाब
लोग जितने भी हैं ये तो तकलीद करते हैं ना बाबों की, और मिर्ज़ा साहब ये तकलीद करते हैं अंधाधुंध उस किताब की, उस किताब के अंदर जो लिखा है बस वो सही लिखा है, गलत लिखा है उस बेचारे को समझ नहीं आती, बस सही लिखा है तो सही होगी, ज़ईफ़ लिखा है तो ज़ईफ़ होगी। तो जनाब के नज़दीक मुहद्दिसीन का पेट रूल ये है कि मुदल्लिस की जो अन वाली रवायत होती है वो पक्की ज़ईफ़ होती है। तो जनाब इसके अंदर एक रावी है हसन बिन अली की, जो रवायत अबू दाऊद के अंदर है, वही रवायत तिर्मिज़ी के अंदर है, वही रवायत सईद इब्ने खुज़ैमा के अंदर है, और तीनों में रावी है अबू इसहाक़ सबीई, जिसके बारे में तबक़ातुल मुदल्लिसीन में लिखा हुआ मशहूर कि ये तदरीस के अंदर मशहूर था, यानी पक्का मुदल्लिस था। अब मेरा सवाल ये है, अगर मुदल्लिस वाली रवायत तर्क रफ़ुल यदैन में आ जाए तो पक्की ज़ईफ़, और अगर वो तदरीस वाली रवायत आ जाए वितरों की दुआ में तो उसको पढ़ना अफजल सही होगा, जबकि इसके मुकाबले में अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हदीस को अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनो को सही कहा है। अब सवाल यह है कि अपनी बारी आ जाए तो तदरीस वाली रवायत उस पर अमल करना अफजल, और तर्क रफ़ुल यदैन की बारी आ जाए तो तदरीस वाली रवायत पर अमल करना वो काबिल कबूल नहीं है। तो आर ये है, आप तो इस रवायत को पेश करने के मजाज ही नहीं है।